दोस्तों, यदि आप सिस्टम पे काम करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको अपने सिस्टम पे ही करना होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके ऑफिस टाइम के बाहर भी करने होते हैं। और यदि आप घर पे हैं और उस काम को आपको फिनिश करना है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप उस काम को फिनिश नहीं कर सकते, या उस काम को फिर फिनिश करने की में समस्या आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो भी सिस्टम पे काम करते हैं वो काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी लिंक वगैरह के लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप जिस भी सीट पे, यदि आप गूगल सीट पे काम कर रहे हैं, तो आप जो भी सीट पे इसकी पूरी डेटा पे आप वर्किंग करते हैं, वो पूरी डेटा को एक मोबाइल पर ऐप बना करके आप उस काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसे क्या समझने के लिए सीधे चलेंगे हम लोग वीडियो में। पर वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप किसी भी डेटा को मोबाइल ऐप के थ्रू बना सकते हैं गूगल, तो वो आप कैसे बना पाएंगे इसे जानने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने गूगल सीट में। और यहाँ पे एक छोटी सी एक डेटा है, और इस डेटा में चूंकि अभी इंट्रो पार्ट में मैंने जो सीट दिखाई थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने सीट को चेंज कर दिया। बट आपको यहाँ पर सीट से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है किस तरीके से आप किसी भी डेटा को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चूँकि यहाँ पे ये जो मेरा ये वीडियो है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो ये पूरी तरह से एक बेसिक वीडियो होगा जिसमें मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि आप किसी भी सीट की डेटा को अपने मोबाइल ऐप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सीट दे सकते हैं, यहाँ पे जितने भी सीटें हो सकती हैं, 2 3 4 5 जितनी भी होंगी, वो सारी सीटें आपका अगर यहाँ पे होंगी तो वो भी सीट आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास एग्जांपल के रूप में वहाँ पे सिंगल सीट है और उसमें सिंगल टैब भी है, तो अभी सीट की जो डेटा है इसे मुझे मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट ले जाना है, क्योंकि मुझे जो भी काम करने हैं वो वहाँ पर ही मोबाइल ऐप के थ्रू करने हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सपोज़ मान लीजिए जैसे अगर आप मोबाइल ऐप जो होता है यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऐप सीट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ऐप सीट पे जाते ही यहाँ पे क्रिएट एन ऐप का ऑप्शन मिलता है जो कि अभी हाइड है, बट आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये यह ऑप्शन आपको जो होता है एक्टिवेट मिलेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करके आप सीधे इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये एक्चुअल में गूगल का एक फ्री टूल है और यहाँ से आप मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हाइड है, बट इसे कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऐप सीट, आप इसे डायरेक्ट गूगल पे यहाँ पे टाइप कर लीजिए और यहाँ से ऐप सीट का जो ये ऑप्शंस हैं, ये जो पहली आपको लिंक मिलती है appseat.com, आपको इस पे जाके क्लिक कर लेना है। तो ये आपको सीधे उसी वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था। तो अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ये वेबसाइट का जो होम पेज है यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, और स्टार्ट फॉर फ्री इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ न्यू ऐप, आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टार्ट विथ योर ओन डेटा, स्टार्ट विथ एन आइडिया, स्टार्ट विथ ए सैम्पल ऐप। यदि आपको जो होता है ऐप के बारे में कुछ भी आइडियाज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करके इसे जो होता है थोड़ा बहुत रिव्यू कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप ऐप कैसे बना सकते हैं। तो अभी ये चूंकि हमारे पास डेटा है और मैं अपने डेटा पर ही ऐप बनाना चाहता हूँ, तो स्टार्ट विथ योर ओन डेटा, वैसे आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर माई फैब रिकॉर्ड के नाम से मैंने एक इस ऐप का नाम मैंने दे दिया फैब रिकॉर्ड, आप जो भी नाम देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है वर्किंग का, जो भी कंपनी है, आप जिस कैटेगरी में आती है वो ले लेना है, आप वैसे कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन और ट्रेनिंग जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये एजुकेशन और ट्रेनिंग के नाम से मैंने इस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया। और आपको जहाँ से डेटा लेना था वहाँ पर आपको चूज़ जो मैंने ऑप्शन था उस पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे डायलॉग ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अभी जिस सीट पे से जिस सीट को आपको ऐप में कन्वर्ट करना है उस सीट का नाम आपको यहाँ पे
टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मुझे फैब रिकॉर्ड की जो सीट है उसको ऐप में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली सर्च में FEB लिखा, तो आपकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और ये देखिए लोड हो रहा है, ये एक 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 सेकेंड 2 सेकेंड लेता है और ये आपका अपलोड हो जाएगा। और ये आपके नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करती है, तो ये डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये मोबाइल ऐप का जो आपका पूरा इंटरफेस है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, तो ये देखिए इसका पूरा होम पेज यहाँ पे ओपन हो करके आ चुका है। जब आप डेटा को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये है, एक्चुअल में ये प्रीव्यू है कि आपका मोबाइल पे किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही आपने वो सीट यहाँ पे एंट्री की, तो वो सारी डेटा जो सीट की जो हेडिंग्स होती हैं वो हेडिंग यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स लिखा हुआ है, मतलब आपके डेटा में 4 कॉलम हैं। 4 कॉलम में मतलब 3 ही कॉलम हैं ये यहाँ पे, और एक बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप का होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये जो मेन आपके 3 ही यहाँ पे कॉलम है, तो जो भी आपकी हेडिंग्स होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपकी जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुकी है। और पहले बात आप यहाँ पे बेसिक देखिए, वो आपके 3 हेडिंग है, नेम, आइटम नेम और सेल। आप यहाँ पे देख लीजिए, नेम, आइटम नेम और सेल। तो ये जो हेडिंग है वो उस हेडिंग में जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। सारे में नेम लिखे हुए हैं और एक में नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि नेम है, यहाँ पे भी देखिए नेम ही टाइप हुआ है, यहाँ भी नेम है, बट यहाँ पे जो वैल्यू पुट की गई है वो नंबर वैल्यू में है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू किस कॉलम में है। तो यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं कि यदि आप जो भी नेम है वो ड्रॉप डाउन के थ्रू अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो आपका हो सकता है इमेज अगर होगा उस कॉलम में, तो अगर आपको इमेज रखना है तो आप इसे इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कर सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहें वो उसे कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी ये जो नेम का जो ऑप्शंस है मुझे ड्रॉप डाउन में रखना है, तो ड्रॉप डाउन में रखने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है वो होता है ईनम का। तो ईनम आप यहाँ पे ले सकते हैं इस ऑप्शन को, ये आपकी जो डेटा है नेम कॉलम में वो एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो जो भी डेटा है वो आपका सेव हो जाएगी। कॉलम नेम इन स्कीमा फेवरेट स्कीम ऑफ कॉलम टाइप शुड हैव अ लिस्ट ऑफ अलाउड वैल्यू और अलाउ द यूज़र टू ऐड। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली से जो होता है ये देखिए, अभी यहाँ पे ई नम चूँकि हमने लिया है, जो कि ये डेटा टाइप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका डेटा एक्चुअल में जिस टाइप का होगा आपको उसी तरीके से लेना है। तो ये एक्चुअल मैंने आपको बता दिया, तो अभी ये हमें यहाँ पे ईनम नहीं लेना है, इसे हम नॉर्मल जो होता है नेम में ही इसको रहने देते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको टाइप मिलता है, आप जो होता है किस तरीके की डेटा है आप वहाँ पे उस टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो होता है स्क्रॉल डाउन करते हुए यदि आप कोई फार्मूला देखना चाह डालना चाहते हैं तो आप फार्मूला ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। बस मैं ये बेसिक वीडियो है यहाँ पर, बस मैं आपको सिंपली यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने डेटा को मोबाइल ऐप में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और उसके कुछ बेसिक सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप जिस भी कॉलम को आप दिखाना नहीं चाहते हैं उस कॉलम को आप यहाँ से अनटिक कर सकते हैं, क्योंकि ये शो का है, इसमें आप जो भी टिक रखेंगे वही कॉलम्स आपको यहाँ आपके मोबाइल ऐप में आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये एडिटेबल है, एडिटेबल वाले ऑप्शंस पे ये क्लिक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस कॉलम की डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस कॉलम की डेटा को एडिट नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिक्वायर का कॉलम। रिक्वायर वाली जो कॉलम होती हैं, मतलब ये होता है कि आप उस कॉलम में डेटा को भरना आपको मैंडेटरी है, उसे आपको भरना ही पड़ेगा। तो 2 कॉलम आपके मैंडेटरी हैं, जो बीच वाला कॉलम है वो मैंडेटरी नहीं है। तो हमें सारे डेटा को फिल करना है, तो सारे डेटा को हम मैंडेटरी कर देते हैं और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और चेक करते हैं कि और भी क्या क्या हैं। और मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, और यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला वगैरह देकर दे सकते हैं, जैसे अगर टाइम स्टैम्प वगैरह चाहिए
तो रो नंबर में आप यहाँ पर जैसे नाउ का फॉर्मूला, ये सारे बहुत चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिस्प्ले नेम है तो आप यहाँ पर डिस्प्ले नेम कुछ भी नाम यहाँ पर आप टाइप करवा सक कर सकते हैं। और उसके बाद सर्चिंग है, स्कैन है, NFC है, PII है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेंगी। तो आपको बेसिक बेसिक ये जो चीज़ें हैं बस यहाँ पे आपको कुछ, बस आप यहाँ पे बेसिकली आपको इतने सारे कॉलम्स पे ही आपको ध्यान देना है। और इस तरीके छोटी मोटी सेटिंग करके आप यहाँ पे डेटा को यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे टेबल्स में चले जाएं। अब मान लीजिए अभी जैसे हमने एक चीज़ बताई आपको कि ये सिंपल यहाँ पे आपका एक ही सीट है, लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक और सीट आ जाती है और यहाँ पे लिख देता हूँ माई रिकॉर्ड। तो अभी क्या हो गया कि ये जो सीट है इसमें अभी चूंकि मेरा कोई भी डेटा नहीं है, बट मैंने सीट यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो ये जब सीट आपने क्रिएट कर ली है तो अगर आप चाहते हो वो सीट भी इसमें ऐड हो, तो फिर आप जो है ये टेबल वाले ऑप्शन में जा करके न्यू टेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो सिंपली आपको फिर से वही गूगल सीट, सीट ऑन गूगल ड्राइव्स, तो जो गूगल ड्राइव्स में जो भी सीट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप वहीं फिर से टाइप कर लीजिए फैब रिकॉर्ड, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक, मैं आप यहाँ पे देखिए अब आपकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगी। फैब ऑलरेडी आपने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ तो ये ऑप्शंस आपको हाइड मिलेगा। माई रिकॉर्ड की जो सीट है वो अभी आपने क्रिएट की है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप दूसरी सीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस जो सीट में कोई भी डेटा है नहीं तो इसे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आपको मैंने आइडिया दे दिया। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद जो भी सेटिंग्स आपको करने हैं वो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लाइसेस का ऑप्शंस मिल जाता है, इसका यूज़ अभी हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली आपको मेनली यही दो ही कॉलम्स जो ऑप्शंस हैं इस पे आपको काम करना होगा, और ये जो आपका ये ऑप्शंस आपको डेटा वाले ऑप्शंस में मिलते हैं। तो ये तो हो गया, आपको जो भी छोटी मोटी सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद होता है यूएक्स, मतलब ये आपका यूएक्स ऑप्शंस में आप डेटा को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी जो सीट नेम है वो यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे अभी आप सीट में आपको इस ऑप्शंस पे आ जाना है। अब अपनी जो डेटा है उसे आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो था कार्ड पे ये सेट है। अगर आप इसे टेबल फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आपका डेटा देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। ये एक्चुअल में आप अपने मोबाइल पे किस तरीके के व्यू रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप जैसे डेक वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लीजिए तो आपकी जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये फैब वाली जो सीट है, क्योंकि हमने अभी दूसरी वाली जो सीट थी जो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट की थी माई रिकॉर्ड, तो ये मैंने ऐड नहीं की, नहीं तो वो सारी सीट का नेम भी आपको यहाँ पे मिल जाता और आप यहाँ से वो सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आ जाने के बाद आप इसकी पोजीशन वगैरह किस तरीके से रखना चाहते हैं वो आप राइट लेफ्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का व्यू देखना चाहते हैं, जैसे अभी आपने मेन्यू व्यू किया तो अभी इसका जो होता है व्यू यहाँ पे पूरी तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे सॉर्ट बाई भी कर सकते हैं, आप सॉर्ट किस कॉलम से करना चाहते हैं, नेम वाइज, आइटम नेम वाइज या सेल्स वाइज, तो ये ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो करना है ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। उसका ग्रुप बाई भी है, ग्रुप एग्रीगेट है, तो ये चीज़ें आप अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपली छोटे मोटे ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले है और डिस्प्ले में आप क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये देखिए ये जो आइकन दिख रहा है ना आपको, ये जो आइकन होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी सिंपली इसका जो है व्यू मैंने चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आइकन सभी आपको यहाँ पे होम टाइप की सीट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया है, सेव कर देते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप आइकन्स वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं। तो डेटा पे यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आइकन्स वगैरह अभी नीचे की जो सीट है उसके आइकन्स नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे
और ये लेफ्ट में यहाँ पे हमको ले लेना है। तो ये देखिए अभी ये आपको आइकन्स यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये जो आइकन होता है इस आइकन की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये फैब की सीट है और यहाँ पे देखिए ये आइकन आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यही आइकन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे इस आइकन को चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए उस तरीके का आइकन आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए मैंने हर्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया है। और डिस्प्ले नेम में आप जो भी नेम यहाँ पे टाइप करेंगे वो नीचे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये सारी छोटी यहाँ सारी सेटिंग्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे ब्रांड में जा कर के इसकी कलर्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, जैसे जिस टाइप का आपको कलर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो गया है। आप यहाँ पे डार्क को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए पूरा डेटा ही डार्क हो गया है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। आप यहाँ पे लोगो जो आप यहाँ पे ऐप पे दिखाना चाहते हैं तो वो लोगो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या फिर कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके कोई भी इमेज वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे जो होता है यहाँ पे कर सकते हैं। ये छोटी मोटी सेटिंग्स हैं और फॉर्मेट रूल्स, ये एक तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग की तरह काम करता है। ये आगे वाले डेटा में मैं आपको बताऊंगा जब मैं वीडियोस डालूंगा, तो उसमें भी मैं आपको इन सारे ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसे आप यहाँ पे करके आप अपने थोड़ा सा डेटा को ठीक ठाक बना सकते हैं। चूंकि ये बेसिक वीडियो है तो हम यहाँ पे ज़्यादा अभी मैं आपको डीप में नहीं ले जाऊँगा। तो ये आप यहाँ पे कॉलम्स में एक बार चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ही एक्चुअल में एक ऑप्शन और मिल जाता है, मैं उसी के देख रहा हूँ कि इसमें इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ जो भी मैंने अभी एक्टिविटी यहाँ पे की थी। तो ये सारी एक्टिविटी एक बार डन हो जाने के बाद, तो अब यहाँ पे ये सारे काम आप यहाँ पे हो चुका है। एक चीज़ मैं अभी आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बता दूँ। तो ये जो प्लस आइकन होता है इसमें आपको वो जो हेडिंग्स होती है वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, और वो सारी जो एंट्री आप यहाँ पे करेंगे और वो सारी एंट्री जो होता है आपका यहाँ पे आता रहेगा फैब वाली रिकॉर्ड में। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं डाल देता हूँ मनीष मनीष, और आइटम नेम है कैमरा, और यहाँ पे सेल अमाउंट है 1500, और इसे आपको सेव कर लेना है। देयर इज़ ऑलरेडी ए रूम विद द की मनीष। अच्छा यहाँ पे वो नाम पहले से पड़ी हुई है, तो ये हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, कनिका, और इसे हम कर लेते हैं सेव। तो देखिए आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। इसे एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश आपको कर लेने के बाद एक बार आपको चलना है फैब वाली फिर से, यहाँ पे मान लीजिए आप क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं, वो देखिए कनिका जो कैमरा आपने यहाँ पे एंट्री डाली थी वो यहाँ पे जस्ट नीचे एंट्री हो गई है। तो आप जो काम अभी आप मोबाइल आप अपने सिस्टम से कर रहे थे वो काम अब अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसका जो प्रीव्यू है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये होता है कि आप इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली शेयर ऐप पे करना है क्लिक, और जो भी ऐप आपने बनाई है उसके उसके लिए आपको सीम जिसको भी आप अपने जो भी आपके एम्प्लॉई हैं आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं उसकी सिंपली आपको जीमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है, ईमेल आईडी जो भी होगी आपकी। तो आप यहाँ पे सिंपली उसको जैसे आपको यहाँ पे देना है, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ करके आपको जैसे मान लीजिए मैं आपकी पहले एक कोई ईमेल आईडी करके दिखा देता हूँ, amu775@gmail.com। देखिए ये मैंने किया और मैंने यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शंस पे क्लिक किया। तो देखिए ऐड यूज़र प्लस सेंड इनवाइट, आप मैक्सिमम जो होता है 10 यूज़र्स को जो होता है 30 दिनों के अंदर आप भेज सकते हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी और उस पर जा करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये चूंकि हमारा ये हमारी पहली वीडियो थी, तो हम यहाँ पे सिंपली आपको एक बेसिक आइडियाज़ देना चाहते थे, तो मैंने उसकी जो तक कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी मैं इसके और भी एडवांस वीडियो लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।